दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे ये सारे त्योहार है ना, वैसे भी एक फेस्टिवल है हमारा वसंत पंचमी। अभी जैसे आपका बर्थडे होता है, आपका बर्थडे मनाती है मम्मी, मनाती है ना, केक कट करती है, आपका बर्थडे मनाती है। तो वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती देवी का बर्थडे, आज के दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वो कैसे उनका बर्थ हुआ था, क्यों वो मतलब भगवानों ने देवों ने क्यों उनका सर्जन किया था, उसकी मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हमारे भगवान हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, ठीक है। तो एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप है ना, आपने पृथ्वी तो बना ली है इतनी अच्छी, लेकिन अभी आप इसमें कुछ जीवों का तो सर्जन करो। जीव यानी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हम इंसान, उनको आप बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने तो काम स्टार्ट कर दिया,
उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग सबको बना दिया। लेकिन बनाया ना तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ कमी लग रही थी। एकदम हर जगह पे शांत शांत, ना कोई बोले ना कुछ, कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान ने और विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो आपने बना दी, इंसान को बनाया, एनिमल्स बर्ड्स को बनाया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कुछ उनको आवाज दो, आवाज दो तो ही कुछ उनको, वो लोग बातचीत करेंगे, कुछ समझेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो अब क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, हाथ में पानी लिया ब्रह्मा जी ने और श्लोक बोला, उन्होंने धरती पर ऐसे ऐसे स्प्रिंकल किया। तो वहां पे शिव जी भी थे, तो सबकी शक्ति से एक देवी प्रकट हुई उसमें से। वो देवी थी सफेद प्रकाश में, वो देवी आई और देवी के हाथ में, एक हाथ में वीणा थी। वीणा आपने देख सकते हो ना, इसमें वीणा है, दिख रहा है आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक था, एक हाथ में आशीर्वाद का, नहीं आशीर्वाद बोल था, हाँ स्फटिक की, और चौथे हाथ में स्फटिक की माला थी। तो वीणा उन्होंने बजाई, जैसे उन्होंने वीणा बजाई ना तो सारे बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सबको क्या आ गई, स्पीच आ गई, वो बोलने लगे, जॉब करने लगे, एनिमल्स को भी अपनी 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 आवाजें मिल गई। तो ऐसे हुआ सरस्वती जी का उद्भवन। ठीक है, अभी सरस्वती देवी का बर्थडे जो है ये वसंत पंचमी, उसको ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। और वसंत जो सरस्वती माता है ना, हम सारे ह्यूमन बींग्स को क्या क्या देती है पता है आपको? एक तो अच्छी वाणी, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं किसकी वजह, मैं सरस्वती की कृपा से ही मैं बोल पा रही हूँ। दूसरा था बुद्धि, बुद्धि कौन देता है? मैंने बोला ना कि ब्रह्मा जी ने हमको बना दिया, पूरा बॉडी बना दिया, लेकिन हमको स्पीच किसने दी, बोली किसने दी, हमारी आवाज किससे निकलती है, किसके आशीर्वाद से निकलती है? सरस्वती माँ के आशीर्वाद से। और हमको जो बुद्धि दी है ना, बुद्धि हम बोलते हैं ना, ब्रेन हेड के अंदर होता है, जो हमें शक्ति देता है, हम भूल नहीं पाते, भूल जाते हो। आज आप खेलने गए हो नीचे, जब आप खेल के ऊपर जा रहे हो तो आप दूसरे किसी के घर में चले जाते हो? नहीं, आप अपने ही घर पे जाते हो, आप अपने ही मम्मी को मम्मी बोलते हो, अपने ही पापा को पापा बोलते हो। क्यों बोल पाते हो पता है? क्योंकि आपको आपके माइंड में याद है कि ये मेरा घर है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरा भाई है। ये भी बुद्धि कौन देता है हमको? सरस्वती ज्ञान देती है। ज्ञान यानी कि पता है, ज्ञान यानी कि आप जो ये पढ़ रहे हो ना, लिख रहे हो, अल्फाबेट्स रीड करने वाले हो, लिखने वाले हो, वो ज्ञान भी कौन देती है? सरस्वती माँ देती है। सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ शक्ति, शक्ति ऐसे दिखने वाली शक्ति तो है ही, लेकिन मन की भी शक्ति देती है आपको। क्या देती है? मन की शक्ति। मैं बताऊं वो क्या है, अगर आपने एक एग्जाम में आपको थोड़ा कम मार्क आया, ठीक है, आपको समझो कि सी ग्रेड आया, ई ग्रेड आया, तो आप एकदम सैड हो गए। लेकिन अगर आप सरस्वती माँ के पास जाके हाथ जोड़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक जो माँ है ना सरस्वती माँ, वो आपको शक्ति देगी कि आप और होमवर्क करो, और लिखो, और पढ़ो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और आपको याद शक्ति भी वो देगी। फिर वो उस टाइप की शक्ति माता जी देती है, हम सबको देती है। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को देती है, बड़े बच्चों को भी देती है। मैं और दो तीन बात बताऊंगी। आज के दिन है ना स्वामीनारायण भगवान है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने आज है ना एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा था कि इंसानों को कैसे अपना लाइफ जीना चाहिए, उसके बारे में ग्रंथ लिखा था, शिक्षा पत्री, वो भी उन्होंने आज के दिन लिखी थी। ठीक है, और के दिन भगवान ने अपनी जो गीता लिखी थी ना, मैंने आपको, हमने गीता जयंती जब हमने सेलिब्रेट की थी, तो वसंत पंचमी उनकी गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं वसंत हूँ, ऋतुओं में एक ऋतु है वसंत, वसंत में खुद हूँ। मतलब ये ऋतु जो अभी चल रही है ना, उसमें पूरी तरह से कृष्ण भगवान का वास है। भगवान ने गीता में खुद कहा था कि ये वसंत ऋतु में मैं हूँ। और आज के दिन से जो
पुष्टि मार्ग वाले हैं ना, जो वैष्णव लोग हैं, वो लोग आज के दिन से होली उत्सव का आज उनका प्रारंभ हो जाता है। होली तक वो लोग होली उत्सव मनाते हैं, ठीक है। और एक बात मुझे और एक बतानी है, और कहते हैं कि जब सतयुग चल रहा था, कृष्ण भगवान ये धरती पर थे, जब राधा जी का जन्म हुआ, कहा जाता है कि राधा जी की जो बोली है ना, वो बोली में साक्षात सरस्वती जी वास करती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ। वसंत पंचमी के दिन कोई भी बच्चा होता है ना, उसको जो पहली बार जो पेंसिल पकड़ाते हैं ना, जो तू 2 साल का है, 3 साल का है, तो आज के दिन ही उस सरस्वती की पूजा करवाई जाती है वो बच्चों के हाथ से, और आज के दिन ही उनको पूजा करवा दे, और उसको आज से पेंसिल उसको हाथ में, कलर, ड्राइंग, म्यूजिक ये सब रखते हैं, तो फिर उसका आज पूजन होता है, आज से उसका लिखना पढ़ना ऐसे बोला जाता है, शुभ होता है आज के दिन स्टार्ट करता है ना वो। दूसरी बात कि सरस्वती माँ नहीं देती है, पता है सरस्वती देवी सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए देवी नहीं है, सरस्वती देवी कला की भी देवी है। सरस्वती देवी जो ड्राइंग करते हैं ना आप लोग, ड्राइंग जितने भी आर्ट है, कलाएं हैं, डांस है, कराटे, जितनी भी आर्ट है, हाँ, वो सारी की सारी सरस्वती देवी की देवी है। और जितने भी म्यूजिक आप सुन रहे हो, वीणा है, हारमोनियम है, पियानो है, गिटार है, वो सारे म्यूजिक की भी देवी सरस्वती देवी है, ठीक है ना। आप ये सब याद रखना सब कुछ। अभी लास्ट में मुझे आपको है ना, आज के दिन हम जो छोटे बच्चे है ना, उसको मंत्र होता है ना, लेकिन एक मंत्र बीज है, अगर वो हम आज बोलेंगे 10 टाइम आज बोलेंगे, फिर आपको जितना टाइम याद रहता है ना, आज आपको बोलना है, उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा और सरस्वती माँ की कृपा आप पे साक्षात होगी। आपको बोलना है आई मां, ये आग बंद करके भी आप आज पूरा दिन आपको ये मंत्र बोलना है, जिससे क्या होगा, सरस्वती देवी आपकी बुद्धि का विकास करेगी। शक्ति दो, शक्ति दो।